हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, बाद में हम लोग डिफरेंसिबिलिटी पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए कॉन्टिन्यूटी क्या है हमारे पास। तो इसके कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड्स रिजल्ट होते हैं, तो अगर रिजल्ट की बात करें तो अगर आप इन रिजल्ट को ही समझ लेंगे तो आपका कॉन्टिन्यूटी आधे से ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम इसको बताते हैं आपको अच्छी तरीके से। चलिए देखिए, पहला रिजल्ट जो हमारे पास निकल के आता है इसका, पहले रिजल्ट में फोर पार्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट। देखिए पहला पार्ट क्या होगा, पहले पार्ट की अगर हम बात करें, कोई फंक्शन अगर हमारे पास गिवन है कॉन्स्टेंट टर्म में लाइक दैट, अगर यहां पे दे दें लिमिट x टेंड्स टू सी। क्लियर? अगर यहां पे फंक्शन दे दिया अल्फा, तो इसको हम क्या करेंगे, जब लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहां पे एज इट इज क्या लिखा जाएगा, अल्फा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? अल्फा। अब कहोगे सर ये अल्फा क्या है, वेयर अल्फा इज अ रियल फिक्स्ड नंबर। इट इज क्लियर? अब देखिए यहां पे सेकंड बात, अगर इसका बात करें सेकंड रिजल्ट हमारे पास, ये टाइप के आपके फॉर्मूले में प्रूविंग करा रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखिए, अगर सेकंड हमारे पास दे दिया लिमिट x टेंड्स टू c, अगर पावर में हमारे पास दे दिया x की पावर n, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जब लिमिट अप्लाई करेंगे यहां पे तो लिखने का रूल्स है x की जगह पे क्या रखेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या है, c, तो यहां पे हो जाएगा c की पावर n। क्लियर है यहां तक बात? तो यहां पे अप्लाई जब किया तो c की पावर क्या आ गया, n। क्लियर है? देयर जहां पे फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, इसका मतलब क्या है सर, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4। क्लियर है? अब थर्ड रिजल्ट की बात अगर हम बात करें यहां पे, थर्ड रिजल्ट जो हमारे पास निकल के आएगा लिमिट x टेंड्स टू सी, यहां पे क्या हमारे पास x की पावर n यहां पे था, अगर यहीं पे अगर हम फंक्शन में दे दें, तुमको फंक्शन x दे दें आपको यहां पे फंक्शन x। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो जाएगा, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां पे हो जाएगा फंक्शन x की जगह पे क्या पुट करेंगे, c पुट करेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है? वेयर फंक्शन x इज अ पॉलीनोमियल नंबर, वेयर यहां पे लिखिए where x is a polynomial in x। क्लियर है? अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए हम क्या लिखेंगे, इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा फोर्थ पार्ट का रिजल्ट, अगर फोर्थ पार्ट रिजल्ट की बात करें तो यहां पे अगर हम लिखें लिमिट x टेंड्स टू c, अगर कोई फंक्शन मॉड में गिवन है तो लिमिट जब हम यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉड c, वेयर c इज क्या हमारे पास है, कांस्टेंट है। क्लियर है? चलिए अब सेकंड पार्ट हम इसका देखते हैं क्या होगा हमारे पास, तो सेकंड जो उसका रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है, ध्यान से देखिएगा सेकंड रिजल्ट हमारे पास क्या होगा। अगर सेकंड रिजल्ट में पहला रिजल्ट अगर हम यहां पे बात करें तो मान लेते हैं, पहली बात तो यहां पे पहला ना लिख करके यहां कोई मान लेते हैं कोई फंक्शन हमारे पास है f एंड g कोई दो फंक्शन हमारे पास हैं, f एंड g टू फंक्शन। क्लियर? इसको अगर हम यहां पे फंक्शन x लिख कर लें, फंक्शन x लिमिट
लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन x इज इक्वल टू l के इक्वल लेट कर लें इसको, दूसरा वाला फंक्शन जो है एंड सेकंड वाला जो है लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन x है तो यहां पे जो सेकंड हम लेट करेंगे फंक्शन gx, दो फंक्शन हमने यहां पे मान लिया, क्लियर है। अब देखिए जो इनको लिखने के तरीके कितने बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो ये पहला इसका लिखने का जो तरीका बनेगा हमारे पास, जैसे यहां पे लिख दिया पहला फंक्शन में लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c, अगर किसी ब्रैकेट में यहां पे हमने लिख दिया फंक्शन x और प्लस यहां पे फंक्शन gx, दो फंक्शन हमने लिख दिया, तो इसको लिखने का तरीका देखिए कैसे है। यहां पे इसका मल्टीप्लाई पहले यहां पे करेंगे ब्रैकेट खोल के, तो मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, लिखने का तरीका ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू c क्या है हमारे पास, फंक्शन x, क्लियर है। दूसरा देखिए इसका मल्टीप्लाई यहां पे होगा तो ब्रैकेट हटेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन हमारे पास क्या है, gx, क्लियर है। अब देखिए इनको जो हमने लेट किया था ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, क्या लेट किया हमने, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन x इज इक्वल टू l लेट किया है, तो यहां पे क्या हम l नहीं रख सकते हैं, बात समझ में आई। लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c gx किसके इक्वल लेट किया हमने, यहां पे लेट कर लेते हैं m के, तो क्या यहां हम m नहीं लिख सकते हैं, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, l प्लस m, बात समझिएगा आपको बहुत समझ में आएगा क्लियरली। सेकंड पार्ट इसका देखिए, सेकंड पार्ट में ये तो ऐड था हमारे पास, प्लस की बात करेंगे, अगर यहां पे हम माइनस की बात करें, अगर माइनस की बात करें लिमिट x टेंड्स टू c, यहां पे ब्रैकेट लगाया फंक्शन x माइनस फंक्शन gx, क्लियर है। अब अगर इसको लिखना चाहे तो कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, यहां पे हो जाएगा फंक्शन x, माइनस सिंबल लगा है तो यहां पे माइनस लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c, तो ये फंक्शन में क्या हो जाएगा, gx, यहां तक बात समझ आई। अब देखिए सर ये जो फंक्शन है और ये फंक्शन है, इसका फंक्शन किसके इक्वल हमने माना है, l के, तो यहां पे हम लिख देंगे l और लिमिट x टेंड्स टू c gx ये किसके इक्वल हमने माना है, m के, तो ये क्या आ गया, l माइनस m, बात क्लियर है। अब यहां पे थर्ड पार्ट यही देखते हैं हमारे पास क्या होगा, थर्ड पार्ट की अगर बात करें, प्लस में हो गया माइनस में हो गया तो मल्टीप्लाई भी यहां पे होगा, तो मल्टीप्लाई की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c, क्लियर है। तो मल्टीप्लाई में अगर यही फंक्शन लिखें, फंक्शन x इनटू फंक्शन gx, क्लियर है, फंक्शन x इनटू फंक्शन gx, इसको लिखने का तरीका देखिए क्या है, ये रिजल्ट बहुत आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। इसको मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन x, बात क्लियर है। सेकंड मल्टीप्लाई यहां पे भी होगा तो सेकंड मल्टीप्लाई यहां पे होगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट इनटू लिमिट x टेंड्स टू c, यहां पे फंक्शन क्या है हमारे पास, gx, ये बात समझ में आई। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन x किसके इक्वल है, l के, लिमिट x टेंड्स टू c gx किसके इक्वल लेट किया हमने, m के, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, l into m, बात समझ में आई। अब इसका फोर्थ रिजल्ट देखिए इसका क्या होगा, फोर्थ रिजल्ट की बात करें, देखिए प्लस हो गया माइनस हो गया मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या बचा हमारे पास, डिवाइड, तो डिवाइड की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c, क्लियर है। डिवाइड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा फंक्शन x अपॉन फंक्शन gx, दो फंक्शन है दोनों फंक्शन को डिवाइड किया, तो इसको लिखने का जो तरीका है ध्यान से देखिए, ये लिमिट है यहां पे लगेगा जाके, ये लिमिट यहां पे चिपक जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन से दैट लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन x अपॉन
लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन एक्स, दूसरा फंक्शन क्या है यहां पर भी लिमिट चिपका देंगे हम लोग, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन क्या है जी एक्स। तो ये देखिए किसके इक्वल था, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एल, तो यहां पे क्या हो गया एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन जी एक्स क्या है एम, तो यहां पे क्या कर देंगे एम। ये बात समझ में आई यहां तक कि नहीं, क्लियर है? अब देखिए यहां पे चलिए अब इसका पांचवा पार्ट हम देखेंगे क्या होगा। तो पांचवा जो रिजल्ट इसका हमारे पास निकल के आएगा, पांचवा रिजल्ट की बात करें हम तो ये जो हो जाएगा, अगर कहीं पास हमारे पास ऐसे लिखा हो लिमिट एक्स टेंस टू सी, क्लियर है, और यहां पे लिखा हो कोई कांस्टेंट टर्म हो लाइक दैट हम अल्फा यहां पे कर लेते हैं और उसके साथ एक फंक्शन दिया हो, क्लियर है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है बाहर आ जाएगा, तो यहां पे कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया इनटू लिमिट लगा दिया यहां पे, तो लिमिट क्या हो गया एक्स टेंस टू जीरो और यहां पे हो जाएगा एक्स टेंस टू सी, यहां पे हमारे पास फंक्शन एक्स, क्लियर है, लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन एक्स किसके इक्वल है एल के, तो यहां पे हो जाएगा अल्फा इंटू एल। ये बात आपको समझ में आई, क्लियर है? आप देखिए सिक्स रिजल्ट की अगर हम बात करें तो सिक्स वाला जो रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी, अगर इस फंक्शन को ऐसे हम लिख दें यहां पे फंक्शन एक्स, अगर कोई फंक्शन गिवेन है अपॉन में लिखा है डिवाइड में, तो कैसे लिखा जाएगा वन अपॉन लिमिट लगाइए यहां पे, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन कितना हमारे पास एक्स, क्लियर है? और ये देखिए लिमिट एक्स टेंस टू सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन एक्स किसके इक्वल है एल के, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एल, वेयर एल इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्लियर। अब देखिए सेवेंथ और लास्ट इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, अगर हमारे पास दिया है लिमिट एक्स टेंस टू सी कोई फंक्शन हमारे पास दिया है ब्रैकेट में, जैसे दिया है यहां पे फंक्शन एक्स की पावर दिया है यहां पे एन, पावर में क्या दिया है एन, तो इसको पूरा लिख लेंगे हम लोग कैसे, देखिए यहां पे लिमिट एक्स टेंस टू सी, यहां पे क्या हमारे पास फंक्शन एक्स, तो पूरा ब्रैकेट लगाएंगे होल, तो कितना हो जाएगा पावर में एन। अब लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन एक्स किसके इक्वल है एल के, तो यहां पे कितना हो जाएगा एल की पावर एन, तो इसका ये वाला सेवन रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। चलिए देखिए थर्ड इसका रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आया, तो सेकंड के बाद हम इसका रिजल्ट देखते हैं थर्ड। तो थर्ड रिजल्ट जो हमारे पास निकल के आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये थर्ड रिजल्ट इसका है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवेन है लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन एक्स, क्लियर है, तो इसको देखिए यहां पे राइट हैंड लिमिट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो यहां पे अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, क्या बात करें राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट की जब हम बात करेंगे तो यहां पे लिमिट एक्स टेंस टू कितना है हमारे पास सी और ये कितना है फंक्शन एक्स, राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन एक्स का वैल्यू होगा यहां पे एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है सी गिवन है, तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करेंगे सी प्लस एच, इसमें क्या करेंगे प्लस एच ऐड कराएंगे, क्लियर है, इसमें क्या करेंगे प्लस एच ऐड कराएंगे। अगर यही बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, यहां देखिएगा ध्यान से, अगर यहीं पर बात हम करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करें, फंक्शन हमारे पास सिमिलर दिया हो लिमिट एक्स टेंस टू सी, यहां पे क्या हमारे पास फंक्शन एक्स, तो यहां पे एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास सी, तो यहां पे क्या करेंगे सिंबल कैसा लेंगे माइनस का, तो यहां पे सी क्या करेंगे एच क्या करेंगे यहां पे माइनस करेंगे, क्लियर है। फंक्शन की बात यहां पे चेंज हो गया, यहां पर भी हमारे पास फंक्शन चेंज हो जाएगा, अगर कांस्टेंट है तो जीरो भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, पाई बाई टू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। अगर यहां पे एक रिजल्ट देखिए इसका पॉइंट में, अगर लिमिट हमारे पास राइट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आता है तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर यहीं पे बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, सॉरी अगर यहीं पे बात करें राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कहोगे सर ये क्या है, ये आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छे से बताया जाएगा। मतलब RHL इज इक्वल टू LHL, मतलब अगर सपोज दैट यहाँ पे राइट हैंड लिमिट दो आ गई, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट दो आ गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर बात करें ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहीं पे बात करें 2 = -2 आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्लियर, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा क्योंकि LHL RHL इज इक्वल टू नॉट LHL। क्लियर है। अब इसका फोर्थ रिजल्ट देखते हैं हम। चलिए फोर्थ रिजल्ट इसका हम देखते हैं क्या निकल के हमारे पास आएगा। तो देखिए इसका जो फोर्थ रिजल्ट हमारे पास है, फोर्थ रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हमारे पास होते हैं फोर्थ रिजल्ट में। जैसे अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले दे दिए, पहला देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हमारे पास गिवेन है लिमिट x टेंस टू a, क्या गिवेन है हमारे पास लिमिट x टेंस टू a, तो इसको जो हम लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। लिमिट x टेंस टू a जहां पे ये कंडीशन बने तो उसको कैसे लिखेंगे, n a की पावर n माइनस 1। क्या रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा इसका, n a की पावर n माइनस 1। सेकंड रिजल्ट हमारे पास देखिए x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, क्या रिजल्ट के निकल आएगा, n a की पावर n माइनस 1। अब सेकंड रिजल्ट की अगर हम बात करें, गिवन हो हमारे पास कहीं पे कंडीशन लिमिट x टेंस टू a, क्या गिवन हो, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। अगर यहां पे हम बात करें साइन x अपॉन में x, जहां पे ये कंडीशन आपको दिखेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। यहां पे थीटा अपॉन थीटा भी हो सकता है, a अपॉन a हो सकता है, कुल मिला के एंगल अगर इक्वल है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थर्ड रिजल्ट यहां पे देखिए, थर्ड रिजल्ट की बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0, अगर यहां पे हमारे पास दे रखा है tan x अपॉन में x, क्लियर है, यहां पे थीटा अपॉन थीटा होगा तो यहां लिमिट भी क्या, थीटा के टर्म्स में होगी, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाता है, 1। फोर्थ रिजल्ट इसका देखिए हमारे पास क्या होगा, अगर यहीं पे दे दिया हो लिमिट x टेंस टू 0, अगर यहीं पे हमारे पास गिवेन हो साइन इनवर्स x अपॉन में x, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है। फिफ्थ रिजल्ट इसका देखिए, फिफ्थ पार्ट रिजल्ट में क्या आएगा, अगर गिवन है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, यहां पे अगर गिवन है tan इनवर्स x अपॉन में x, तो इसका भी वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है। अब इसका सिक्स रिजल्ट हमारे पास देखिए क्या होगा, सिक्स रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ये देखिए लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका भी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, सब यूज होगा वहां पे। क्लियर है। अब सेवेंथ पार्ट इसका देखिए हमारे पास, सेवेंथ रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आता है, अगर यहां पे है लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस a अपॉन में x, तो ये वैल्यू इसका क्या होता है, 1 हो जाता है। क्लियर है यहां तक बात। एट्थ रिजल्ट इसका देखिए जो हमारे पास निकल के आएगा, तो एट्थ रिजल्ट जो हमारे पास निकल के आएगा कितना हो जाता है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन में। क्लियर, ये थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान से देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है a की पावर x माइनस 1 अपॉन में, ये होता है log a बेस e। क्लियर, ये होता है log a बेस e। ठीक है, आप देखिए एट्थ फॉर्मूला देखते हैं तो
एट नंबर जो फॉर्मूला हमारे पास होगा, जो रिजल्ट आएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इसका रिजल्ट होता है लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, लॉग वन प्लस एक्स अपॉन में एक्स, इसका वैल्यू हमारे पास क्या हो जाता है, वन हो जाता है। नाइन्थ रिजल्ट इसका देखिए हमारे पास, नाइन्थ रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे x टेंड्स टू जीरो 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 था, यहाँ पे साइन लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन में x था, यहाँ पे अगर लिमिट चेंज करेंगे तो देखिए अगर लिमिट चेंज हो गई, इनफाइनाइट है अगर यहाँ पे साइन x अपॉन में x, तो इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो, ये ध्यान से ध्यान रखिएगा, क्लियर है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए टेन देखते हैं इसका, नाइन्थ रिजल्ट के निकल के आया, अब देखिए इसका टेंथ रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आएगा, टेंथ रिजल्ट है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, e के इक्वल हो जाता है, क्लियर है। अब इसका देखिए इलेवेंथ पार्ट जो हमारे पास हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रख रहे हैं, यहां पे क्या रख रहे हैं, इनफाइनाइट, यहां पे 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर, 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, x, 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x, ये किसके इक्वल हो जाता है, ये भी e के इक्वल हो जाता है, तो ये हमारे रिजल्ट निकल के आए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्लियर। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।